हमारे नाम ताहा अंसारी है जी। मेरा क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, बेसिक फ्रीलांसर है मेरा जो है, बिल्कुल फ्रीलांसर के काम नहीं है। मेरा जो करंट प्रॉब्लम है, आई एम अनएबल टू लीव फ्रॉम माय करंट प्रोफेशन एंड देन हाउ टू जंप ऑन इन टू फ्रीलांस इंडस्ट्री बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व हो गया हूं, मैं मेरे बिल्कुल ही नहीं जो वो स्टेप शायद मैं लेना चाह रहा हूं, दे नहीं पा रहा बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है आप क्यों नहीं ले पा रहे? अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी हो तो उस वीडियो में एक पॉइंट था कि अमीर और गरीब को और कामयाब और एंटरप्रेन्योर कामयाब कंपनीज को एक चीज़ डिफर करती है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। एक्ट फास्ट, साल डेढ़ साल से आप सोच रहे हो और मैं आपको सोचते हुए देख रहा हूँ, मैं डेढ़ साल बूढ़ा हो चुका हूँ। दो साल से आप मेरे से कांटेक्ट में, बट यू डोंट हैव, सो व्हाट इफ आप किसी को छोड़े, मुझे नहीं, किसी को, इसको पैसे दे देते हैं, पर्सन वो डेवलपर हैं उनको पैसे दे देते हैं, उनसे डेवलपिंग सीख लेते हैं, व्हाट इफ अगर वो आपको नहीं सिखा पाते और आपका 50 लाख रुपये ज़ाया हो जाता है एक साल, व्हाट? आप बर्गर भी तो खाते हैं, आपको पता है बर्गर ठीक नहीं है, मगर आप जाके फिर भी मैकडॉनल्ड में घुसते हैं, तो क्या हो गया अगर आपने ट्राई कर लिया? सो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आया था 29 जनवरी थी आई थिंक, सो इट्स वॉज 22, मैं कराची में आया, एक स्टूडेंट का इवेंट था, मैंने अटेंड किया, मैंने देखा, मैंने मूव तो करना था इतना मुझे पता था, मेरे पास कुछ ऑप्शन थे जिसमें लाहौर था और इस्लामाबाद था। मैं इधर आया, मैंने देखा यार ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट सिटी है, सही मुकाबला होगा। 3 फेब को मैं इधर ही था, मैंने प्लान बना लिया मैं मूव कर, 7 को आके मैंने डील की, 21 को मैंने पैसे दिए हुए थे और 21 मार्च को मेरी पूरी फैमिली आई, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, मेरा बाप, मेरा ड्राइवर, 60 लाख रुपये मैंने सब कुछ करने में, लोगों को फैमिली लाने में मैंने जस्ट हार्डली 7 दिन लगाए और उसने मैसिव पैसा बना के दिया मुझे। क्यों? इंटेलिजेंस ही नहीं, इसमें क्या इंटेलिजेंस है? एक्ट फास्ट, मुझे लगा इट्स रिस्क, सो मैंने, अब आप कहते हैं ना रिस्क, आपको लगे कि यार अगर मैं इधर आके कराची में फेल हो जाऊँ, सो मैंने अपने आप से सवाल किया व्हाट इफ अगर मैं कामयाब नहीं होता, तो मुझे एक आया कि क्या मैं मर जाऊँगा? नहीं। सो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल हैपन अगर मैं नाकामयाब होता हूँ, लेट्स सपोज आप नाकामयाब होते हैं कुछ सीखने में, तो मैं पीछे चला जाऊँगा, क्या मैं रुक जाऊँगा? नहीं, मैं कभी नहीं रुकूँगा, मुझे अपनी नेचर का पता, मैं नहीं रुकूँगा। सो ये जब मैंने कैलकुलेशन की, पहले 6 मंथ बहुत हार्ड थे, ऑफिस समझ नहीं आ रही थी कहाँ लें, घर से काम किया, टीम पेशावर में काम किया, 24 घंटे काम किया, कुछ नहीं देखा, पैसा बनाया, फिर कराची में आए, मार्केटिंग थोड़ा और फास्ट की, जो लोग देखना नहीं चाहते थे वही दिखा रहा था, मैं दिखाना शुरू किया, मैं ग्रो किया, पैसा छापने शुरू किया, फिर पता लगा कि जितनी ज़्यादा आप फास्ट मार्केट में आएंगे उतना ज़्यादा आपको आपको हाँ बैकफायर होगा आपको। उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, पता तो था बैकफायर क्योंकि मैं ट्रेन हूँ इस चीज़ में, बट इतना ज़्यादा आया कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की बैन कर दी, जब मेरा नाम देखे मुझे कहें नहीं, कोई रिकमेंड करे नहीं, कनेक्टेड पाकिस्तान में बुला के डिलीट कर दी पोस्ट, ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था IBA के स्टेज पर बोलने के बाद फिर वो नहीं बुलाएंगे क्योंकि यार ये बोलता अच्छा है, हमारी दुकान ना बंद कर दे, वो नहीं पता था कि ये हो जाएगा मेरे साथ, ये नहीं पता था कि सारे एक मिल के मुझे कहेंगे यार इसको नहीं बुलाना, जिस इवेंट में जिस पॉडकास्ट में आएगा हम नहीं आएंगे। लाहौर यूनिवर्सिटी में बुलाया, UT में, कैंसल, टिकट मैंने कर लिया, कैंसल, कनेक्टेड पाकिस्तान पिछला गुजरा, कैंसल, पोस्ट करके मैंने पोस्ट शेयर की, स्टूडेंट ने, मेरे टीम मेंबर ने रिफ्रेश की, कहता सर ये तो गायब है, मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैंने रिफ्रेश की, गायब था। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। एक्ट फास्ट आप